हेलो एवरीवन वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन सो आज मार्केट में बहुत बड़ा हल्ला हुआ है और काफ़ी लोग मार्केट में बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे हैं मार्केट में टॉप आउट हो गया बेरिश हो गया ये हो गया वो हो गया राइट देर आर मैनी प्रडिक्शन गोइंग ऑन इनटू द मार्केट एंड लॉट ऑफ पीपल है थोड़ा लेट अपलोड हुआ बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग सो लेट्स सो so, सबसे पहले चीज़ ये समझने की कोशिश करो कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है सो so, आज अगर आप इंटराडे चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा वो क्या हो गया बट अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तो लास्ट वीक के अंदर ही कहीं ना कहीं मोमेंट है निफ्टी की राइट सो so, देर वॉज जो बड़ा जितना हाव है उतना है, अगर आप वीकली चार्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा राइट अगर आप इसको भी अगर और, और, और स्मूथन आउट करना है अगर आप मंथली करोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है राइट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू जब ऐसे क्राइसिस हो तो आपको थोड़ा ब्रॉडन आउट करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है तो एक तीन वीक ऊपर गए बाजार तो क्या कॉन्सोल्यूशन नहीं कर सकता यस डेफिनेटली इट कैन डू इट राइट सो लेट सी फर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज जो एक लास्ट दो सेलिंग आए जो लास्ट ऑलमोस्ट समझ लो लास्ट दो तीन घंटे का जो सेलिंग था और मैनी पीपल्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ गए और मैनी पोजिशन वाइप आउट राइट बट क्या बॉर्डर ट्रेंड चेंज हो गया क्या इसको मान ले कि टॉप आउट हो गया तो आई डोंट बिलीव आई डोंट हैव सच सीरीज राइट लेट मी शो यू डेली चार्ट करते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पे भी हुआ था यहाँ पे भी हुआ था बाजार चला गया फिर फिर आप देखो ये इंट्राडे में यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर आया था फिर सस्टेन हुआ फिर थोड़ा रहा फिर उसके बाद ऊपर गया तो क्या इसको ये सब बोल सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया है नो क्या मार्केट ने बायर्स को टेस्ट करने की कोशिश किया है यस क्या सेलर्स आए बाजार में यस बट क्या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं सो ये पहला सेलिंग है क्या है ये पहला है तो अभी बायर्स भी कोशिश करेंगे राइट तो मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे पुल बैक आएगा वो तो पुल बैक ही डिसाइड करेगा कि बायर्स कितने स्ट्रांग है बेयर्स कितने उसके बाद भी अगर जो फॉलोअप सेलिंग आता है ना बाजार में तो आप समझ लो कि बायर्स के हाथ से कंट्रोल जाके सेलर्स ने ले लिया है तो ये पॉइंट अपने को सबसे ध्यान में रखना चाहिए फॉर थोड़ा लॉन्ग टर्म टेम्परेम जैसे ही ये जोन जो है बीस हजार नौ सौ का उसको बजार अगर तोड़ के वॉल्यूम के साथ सस्टेन रहता है तो आप समझ लो निफ्टी का ट्रेंड चेंज होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है सो फॉर टू मोरू व्हाट आर दिनरीज इन फ्रंट ऑफ अस मेरे अकॉर्डिंगली एक ये जोन है और एक ये जोन है सो बीस हजार आप पकड़ लो 140 से बीस हजार अस्सी के आसपास कहीं ना कहीं बाजार ये एक जोन में आने के बाद स्टेबल होता है और उसके बाद ऊपर जाता है तो एक आ, पुल बैक आ सकता है और पुल बैक कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली ये एक जोन में आना चाहिए जैसे यहाँ पे कहीं कही ना कहीं और फिर यहाँ पे बाजर आता है फिर धीरे धीरे पास करके फिर ऊपर जाता है या यहाँ पे करके फिर ब्रेक डाउन करता है सो आई डोंट नो आई डोंट हैव एनी मैजिक थिंग राइट बट एज ऑफ नाउ इफ इज टेलिंग मी द ट्रेंड हैज चेंज आई एम नॉट इन टू दैट कैम एक दिन के सेलिंग से कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता है राइट सो ऐसा हो सकता है और फिर यहाँ पे सस्टेन होकर फिर ये ट्रेंड चेंज होगा राइट right? आप एक दिन की कैंडल से आप बोल दो कि ट्रेंड चेंज हो गया है तो आई थिंक देर आर मेनी टाइम देर इज फॉल्स सिग्नल्स राइट हिस्टोरिकली अगर आपने देखे होंगे तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे ऐसे कि वन डे सेलिंग डज नॉट चेंज द ट्रेंड राइट सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी सो बैंक निफ्टी भी अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लास्ट तीन चार दिन से रेंज में था हम डिस्कस कर रहे थे आप देखो अगर वीकली देखो तो क्या है तीन वीक आप गया इट्स फाइन राइट एनी बिग प्रॉब्लम यू सी नो राइट सो अगर आप बैंक निफ़्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ़्टी का भी यही जोन है मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है फिर यहाँ पे एक बाइंग इमर्ज होता है तो आज मेरे को एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेड का जो इंटरेस्ट रेट आया जब बाजार गैप अपैप अप होने के बाद बाजार में बैंक निपटी ने इतना कुछ कर नहीं पाया राइट निफ्टी जहाँ नया हाई बनाया था बैंक निफ्टी नया हाई नहीं बना पा रहा था बट वीकनेस में अगर आप देखो तो आज बैंक भी 1.37 परसेंट डाउन है और निफ्टी 1.66 पॉइंट तो वीक शुड गेट मोर वीक बट वो अपने को वैसा दिखा नहीं है तो मान लो ये दो और भी थोड़ा यहाँ पे कहीं पे सेलिंग आता है फिर जो बाउंस बैक आता है ना वो कितना स्पीड से आता है क्या एंगल से आता है एंगल मतलब सॉरी क्या स्पीड से निकलता है बाजार वापस जैसे एग्जाम्पल ये गिरा है बाजार तो यहाँ पे कहीं ना पुल बैक आता है यहाँ पे कहीं पे पुल बैक आता है फिर यहाँ पे नीचे में सेलिंग आता है और उसके बाद बार, बार, सेलर्स डिफेंड नहीं कर रहे बाजार ऊपर चला जाता है ना तो देर आर मोर चांसेस कि बैंक निफ्टी अगेन कैन गो अ न्यू हाई राइट सो नेक्स्ट ऑब्जर्व कीजिए ये जो एक जोन है जो अभी क्लोजिंग हुआ है फोर्टी सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी टू एटी थ्री हंड्रेड और नीचे में फोर्टी सेवन वन फिफ्टी कहीं ना कहीं बाजार यहाँ पे एक अटेम्प्ट करना चाहिए रिवर्सल के लिए तो हमें देखना है कल की यहाँ पे आने के बाद एक ऊपर में बाइंग दिखता है नहीं दिखता है राइट सो आई एम नॉट इनटू द कैम कि ये पहला सेलिंग आ गया और इसको कर दो सो टुमारो मान लो अगर आप एग्जांपल लो वन मिनट या सो टुमारो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक एरिया है आ, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंस बैक आना चाहिए और फिर वहां पे बाजार कैसे ट्रेड करता है पे ऐसे करके फिर ऊपर जाता है या एक फिर से नीचे की तरफ आता है तो वो अपने को डिसाइड करेगा तो फॉर टुमारो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है एग्जाम्पल और फिर सस्टेन सस्टेनर फिर नीचे जाता है तो एक लो रेस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए आप देख सकते हो क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग आया है राइट बट बाजार में क्या मान लो यहाँ पे जाने का फिर फॉलो अप सेलिंग बहुत वॉल्यूम के साथ आता ही नहीं आता है वो डिसाइड करेगा आगे का फर्दर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम राइट सो एज ऑफ नाउ फॉर टुमारो जो मैंने आपको बताया है एक बाउंस बैक आ सकता है बाउंस बैक कहीं ना कहीं ये एरिया में होना चाहिए और फिर वहाँ जाके फिर यहाँ पे टेक फिर नीचे में सेलिंग आता है तो वहाँ पे लोअ रिस्क अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो सुबह में मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे भी आप लोअरिस्क एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो राइट देर आर टू सीनारियो एक है ये सीनारी जहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो एक सिस्टम करे उसके बाद और यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो बट मेक श्योर शॉर्ट शोट बी ऑन इंटरा डे नो पोजिशनल सेम वे निफ्टी में भी आप ऐसे ही कर सकते हो जो मैंने बताया एंड लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी सो फिन निफ्टी भी अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी का भी यही जोन है जो अभी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये इक्कीस हजार सौ से इक्कीस हजार डेढ़ सौ यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि एक पोल बैग आ सकता है देन एक सेलिंग आया बड़ा वॉल्यूम के साथ तो देन वी कैन थिंक कि भाई सेलर्स आर मोर एग्रेसिव राइट so we we need need a follow -up selling or follow up up selling right? selling or or buying buying right don't one day to decide the trend right so सो इसमें weekly देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं है तीन वीक अब गया है तो एक consolidation या एक टाइम कनेक्शन हो रहा है बाजार में लेट्स लुक एट द small कैप जो सबसे बड़ा लोगों को यहाँ पे झटका लगा है जो आज तो लेट मी शो यू यहाँ पे देखो ये बड़ा सेलिंग आया लोग बोलते टॉप आउट हो गया लेट मी शो यू इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आया काफी दिन तक मार्केट ए, एक रेंज में रहा फिर एक नई रे थी जी क्या यहाँ पे एक सेलिंग आया फिर एक रेंज आ गया फिर नया आ गया सो वॉट माई पॉइंट इज वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग मैं आपको यहाँ पे थे तब भी मैंने आपको यही बताया था यहाँ पे थे तब भी मैंने यही बताया था और आज भी मैं आपको यही बता रहा हूँ वी नीड अ फॉल ऑफ सेलिंग

फॉलो अप सेलिंग जैसे यहाँ पे एक दो दिन सेलिंग आया फिर फिर सस्टेना फिर ऊपर चलाया गया सेलिंग आया तो क्या अगली बार ऐसा नहीं हो सकता है हो भी सकता है बट अवर जॉब एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर इज टू ऑब्जर्व नॉट प्रेडिक्ट राइट सो दैट्स अवर ऑब्जर्वेशन दिस इज अ फर्स्ट डेट सी हाउ मार्केट गोज फर्दर सो आई होप और मैंने आज काफी सारे स्टॉक्स भी देखे काफी सारे स्ट्रक्चर भी देखे सो सम वॉट इट डजन लुक लाइक कि भाई बाजार जो टॉप आउट होता है और जब होता है तो ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि क्या हो सकता है बट वंस वी गेट अ कंफर्मेशन देन वी कैन एडजस्ट अवर सेल्फ और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टू मॉर